हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज बाला मनपसंद खाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बच्चे के मनपसंद बाउंटी बार बनाने जा रही हूँ। आइए चलिए बनाते हैं बाउंटी बार रेसिपी। इसके लिए मैंने पैन में 1 कप दूध डाला है। दूध को गर्म होने देंगे, उसके बाद 1/2 कप चीनी डालेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट मिलाएंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक यह डो की फॉर्म में ना आ जाए। चलाते हुए मीडियम आंच पर पकाना है। मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेती हूँ। एक बाउल में मैंने 100 ग्राम डेरी मिल्क चॉकलेट ली है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर बाउल में डाल लिए हैं। गैस ऑन करके एक भगोने में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने चॉकलेट का बाउल रख दिया है और अच्छी तरह से पिघला लिया है। देखे फ्रेंड्स, चॉकलेट अच्छी तरह से पिघल चुकी है। डो हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ में लेंगे और इसको शेप देंगे। आप गोल स्क्वायर कैसे भी शेप दे सकते हैं। मैंने इस तरह से लंबे लंबे आकार की शेप दी है। इस तरह से मैंने सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। मैं एक पीस लूँगी और चॉकलेट सिरप में अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। एक्स्ट्रा चॉकलेट हटाते हुए इसे मैं एक बटर पेपर पर सेट कर दूँगी। इस तरह से मैं सारे पीसेस तैयार कर लूँगी। 1 घंटे के लिए मैं इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दूँगी। एक्स्ट्रा चॉकलेट हटाकर कुछ हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बाउंटी बार बनी है।